नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आज आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। शॉर्ट स्टोरी का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मजाई। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मजाई, जिसको एक अमेरिकन राइटर ने ओ हेनरी ने 1906 में लिखा है। इसमें एक करेक्टर है जिसका नाम है डेला डेलिंगा और उसका हस्बैंड है जिम। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान की भावना रखते हैं। एक दिन की बात है, क्रिसमस का त्यौहार आने वाला था, तो उस त्यौहार पर डेला सोचती है कि अपने हस्बैंड को कुछ अच्छा गिफ्ट करे, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता है, उसकी बहुत केयर करता है और उसका बहुत सम्मान करता है, तो वह गिफ्ट के लिए डिज़र्व करता है। तो वह सोचती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है उतने, उसके पास सब बिजली का बिल सब बिल भर चुकता करने के बाद उसके पास $1.7 ही बचते हैं। तो वह क्या करती है, सोचती रहती है कि क्या करें, कैसे गिफ्ट दें, पैसे की कमी रहती है, इन सब की स्थिति दयनीय रहती है, घर भी टूटा रहता है। तो अचानक उसका ध्यान आता है कि अपने बालों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करेगी और उससे गिफ्ट खरीदेगी। और डेला की सबसे खूबसूरत जो उसके पास चीज़ थी उसके बाल ही थे, और वह उसे बेचकर ही गिफ्ट लाना चाहती थी। तो क्या करती है, उसके बाल कटवाने का विचार करती है, तो चली जाती है बाल कटवाने के लिए मार्केट। एक हेयर ड्रेसर रहती है, उसका नाम था मैडम शॉफरेनी। उसके पास जाती है और कहती है कि मेरे बाल काट दीजिए, और काट के बेचने की बात करती है, तो उस $20 में बेच देती है। और वह जब $20 होते हैं और उसके पास जो पहले से $1.87 रहता है, मिलाकर $21.87 हो चुके हैं, तो उससे वह मार्केट जाती है पैसे लेकर। तो गिफ्ट तलाश करती कि क्या गिफ्ट लें, बहुत तलाशने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वह उसे अचानक ध्यान आता है कि मेरे हस्बैंड के पास एक गोल्डन वॉच है। वो गोल्डन वॉच जो कि जिम के ग्रैंडफादर ने दिया था, तो और वो गोल्डन वॉच की चेन टूट चुकी है, तो सोचती है कि क्यों ना चेन ही ले लें। तो वह $20 में एक चेन खरीदती है वॉच की, और उसको खरीद कर ले जाती है अपने घर। फिर उधर क्रिसमस के अवसर पर उसका हस्बैंड भी अपनी वाइफ को एक कुछ गिफ्ट देना चाहता है, तो क्या करता है, उसके पास भी पैसे नहीं रहते हैं, तो उसके ग्रैंडफादर की जो गिफ्ट थी सोने की, उसके लिए बहुत कीमती थी। फिर भी बेचारा अपनी पति को और अपनी वाइफ को खुश करने के लिए वह अपनी गोल्डन वॉच को बेच देता है, और बेचकर अपना सोचता है कि अपनी पत्नी के लिए कुछ अच्छा ले जाएं, तो उसके लिए क्लिप लेता है उसको बालों के लिए, क्योंकि उसके बाल बहुत सुंदर रहते हैं। तो क्या होता है कि गिफ्ट ले जाता है पैक करवा कर, जब घर पर पहुँचता है तो उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और वो देखता है अपनी पत्नी को, इसके बाल तो बहुत छोटे छोटे हो गए, तो वो बेचारा भौचक्का हो जाता है, ऐसे चकित हो जाता है, फिर भी शांत रहता है, उसे डांटता बोलता कुछ नहीं। तो आता है, उसकी पत्नी बुलाती है, कहती है कि आइए बैठिए, बैठता है, तब उसका हस्बैंड उसको एक गिफ्ट देता है कि लो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। वो खोल के देखती है तो उसके लिए क्लिप रहता है,
तो उससे बहुत अफसोस होता है कि एक मेरे पास तो बाल छोटे छोटे हो गए, अब कहाँ से गिफ्ट वो क्लिप लगाऊंगे। फिर याद आता है कि मैं भी गिफ्ट लाई हूँ, तो वो गिफ्ट अपना देती उसको, कहती लीजिए मैं आपकी घड़ी के लिए चेन लाई हूँ। तो उसके पास तो घड़ी है ही नहीं, बेच दिया है। वो भी बेचारा बहुत, दोनों लोग एक बहुत दुखी होते हैं। इसमें कहानी का यही अंत है। मेन इसका थीम है कि लव का सेक्रीफाई, एक दूसरे को प्यार पाने के लिए, खुशी के लिए लोग अपने कीमती चीज़ों को खो देते हैं, फिर भी इनके अंदर कोई प्यार की कमी नहीं होती है। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से सबको सीख लेना चाहिए और परिवार में हंसी खुशी रहना चाहिए, सेक्रीफाइस के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद।